अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ईशाज़ रिव्यू। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेबिलिन की कुछ प्रोडक्ट्स, बल्कि कंप्लीट मेकअप प्रोडक्ट्स जिनके साथ आप अपनी लुक को अच्छा बना सकते हैं। मोस्टली उनके लिए जो टीनएजर्स हैं, जो अभी नया नया मेकअप खरीदना चाहती हैं, मेकअप यूज़ करना चाहती हैं और वो चाहती हैं हमारी स्किन भी ख़राब ना हो और हमारी स्किन हैवी भी ना लगे, हमारी जो बेबी स्किन है वो ख़राब ना हो, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसके साथ मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि स्टार्टिंग में मैंने कौन सा मेकअप यूज़ करना शुरू किया था। तो सबसे पहले जो मैंने मेकअप यूज़ करना शुरू किया था वो था मेबिलिन का, क्योंकि इससे एक तो स्किन वगैरह आपकी ख़राब नहीं होती, दूसरा ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट होता है जिसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्राइमर की, जो सबसे पहला मैंने प्राइमर ख़रीदा था वो था ये वाला, ठीक है। अच्छा, पोर सब प्राइमर वैसे भी जो मोस्टली हम लोग लेते हैं वो पोर मिनिमाइजिंग के लिए लेते हैं, तो जिस भी किस्म का, जिस भी कंपनी का आप प्राइमर लें, लेकिन आपने लाजमी देखना कि वो पोर मिनिमाइजिंग हो, तो तभी आपको वो इफ़ेक्ट मिलेगा जो मेन मकसद होता है एक प्राइमर का, तभी आपको वो मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन सारा ही ख़त्म कर लिया है। टेक्सचर इसका दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है, लगता ये इस तरह का है जैसे कोई क्रीम है, लेकिन जब आप इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी स्किन में कम्प्लीटली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से टोटली ये वैनिश हो जाता है आपकी स्किन के अंदर, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। जो दूसरा है मेरे पास सेम यही, इसकी भी यही क्वालिटीज़ हैं, ये भी मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ। दिखने में ये भी इस तरह का ही है, इसको इस तरह से अप्लाई कर लेना, लेकिन ये वाला जो सेकंड वाला ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, ड्राई स्किन के लिए ये नहीं है। थोड़ी सी अमाउंट आप लोगों ने अप्लाई करनी है और उसको स्किन के अंदर अच्छे से आपने एब्जॉर्ब कर लेना है और 2 मिनट के लिए आपने अपनी स्किन को छोड़ देना है। इससे ये अच्छे से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी होगा और आपको कवरेज भी अच्छा देगा, फाउंडेशन के लिए आपको अच्छी आपकी स्किन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेन चीज़ की जो के है फाउंडेशन। तो सबसे पहले आपने यही वाला ख़रीदना है, तो ये 2 शेड्स इसलिए हैं मेरे पास क्योंकि ये वाला मुझे लगता था कि मेरी स्किन के लिए बहुत डार्क है और ये वाला मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा ही ये वाइटिश लुक दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने ये ख़रीदा था, लेकिन मेरी स्किन येलो होना शुरू हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ये ख़रीदा और फिर दोनों को मैंने मिक्स करके यूज़ करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैंने इनको मुकम्मल तौर पर जो था वो ख़त्म कर दिया। तो सबसे पहले आप अपनी स्किन में, अगर आप नया नया अपना मेकअप शुरू करने लगे हैं, तो आप अपनी स्किन के ऊपर कभी भी कोई हैवी जो मेकअप है वो आप अप्लाई ना करें, तो आप कोशिश करें कि लाइट ही अप्लाई करें। तो ये है हमारे पास फाउंडेशन मेबिलिन का कुछ इस तरह से, और दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका शेड है कुछ इस तरह से, ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये है इस तरह से। तो ये दोनों जो शेड्स हैं इनमें आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये ज़्यादा वाइट लग रहा है, ये वाला ज़्यादा वाइट लग रहा है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। आप अगर अच्छा शेड पसंद करेंगे तो वो यकीनन आपके लिए अच्छा काम करेगा। मैं इन दोनों को मिक्स करके फ़िलहाल आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। कवरेज इसका भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हाई कवरेज नहीं है, लेकिन आपको एक कंप्लीट लुक देगा आपकी स्किन के ऊपर, जो पिंपल्स वगैरह अगर हैं या पोर्स वगैरह हैं तो उनको ये सीमलेस कर देगा, आपकी स्किन एकदम से अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसे अपनी स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ा थोड़ा अब लगा के आप अपने जिस स्किन के ऊपर मेकअप करना चाह रहे थोड़ा थोड़ा से करके आप उसे एब्जॉर्ब करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें और उसके साथ इसको मर्ज कर लें। इसको मैंने अपनी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, थोड़ा सा लिया था, यहाँ तक अप्लाई हो गया। आपने इसको अच्छे से अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है, उसके बाद आपने कॉम्पैक्ट ले लेना, ये भी मेरे पास फिटमी का है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक ऑलमोस्ट मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और एक ये भी शेड है मेरे पास, तो जो शेड आपकी स्किन के ऊपर सूट करता है आपने वो ले लेना है, और उसके बाद आपने कॉम्पैक्ट, आपको पता है कि ज़रूरी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आपने अपनी स्किन को कॉम्पैक्ट के साथ सेट कर लेना है, तो इस तरह की लुक आएगी आपकी, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह का ये इसका कवरेज है, बहुत अमेजिंग। नेक्स्ट हम बात कर लें अपनी लुक को कंप्लीट करने के लिए, तो कंसीलर आपको पता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल यूज़ कर करके हमारी आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स आ चुके होते हैं, तो मैंने इनका ये कंसीलर भी ख़रीदा था और ये कुछ इस तरह से है, तो ये भी मैं इसके साथ यूज़ कर लेती हूँ।
नेक्स्ट यार हम इसकी बात कर लेते हैं, लिप्स एंड चीक्स के लिए दोनों के लिए परफेक्ट है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, रिकॉर्ड नहीं, इसलिए मैं दोबारा से ये शूट कर रही हूँ। तो इसका स्टैंड कुछ इस तरह से है, बहुत ही मज़े का कलर है ये, आप देख सकते हैं। आप इस तरह का एक ले लें आपकी चीक्स के ऊपर, अगर आप टिंट करना चाहते हैं उसके लिए भी, और लिप्स टैन के लिए भी बहुत अच्छा। लिप्स पे हाँ थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो उससे पहले आपको कोई लिप ऑयल वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ब्लश के लिए ये बहुत अच्छा है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, यूँ इस तरह से। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि स्पेशली मेरी वीडियो ये टीनएजर्स के लिए थी, जो मेकअप तो करना चाहती हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहती कि हमने मेकअप किया हुआ है। लेकिन आजकल ज़रूरी है अपने फेस को एक परफेक्ट और इवन लुक देने के लिए, लाइट मेकअप हमें करना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपके लिए मेबिलिन की ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत हाई कवरेज आप लोगों के लिए नहीं है, सूट कर सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।